नेटफ्लिक्स पे भाई कल एक टियर स्मिथ नाम की मूवी रिलीज की गई थी जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी की चीजों को फॉलो करती है एंड भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है एक बेस्ट सेलिंग नॉवल है उससे अडॉप्ट किया गया है। अभी मैंने इस पिक्चर को देख के पूरी तरीके से खत्म कर दिया है जिसकी वजह से आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन केस अगर आप इस पिक्चर को देखने का प्लान बना रहे हो तो क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है या फिर नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट आएगी कि अगर आपको रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ चैनल पर नए ऐसी वीडियो देखना पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। देखो इस पिक्चर को देखने के लिए भाई आपको 1.5 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। हिंदी डब में ये पिक्चर आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है एंड इसकी हिंदी डब काफी बढ़िया है। फैमिली वगैरह के साथ पिक्चर को मत देखना क्योंकि इसमें आपको न्यूडिटी एंड समझ रहा हूं ना ये सब देखने को मिलेगा। कहानी की अगर मैं बात करूं बिना स्पॉइल के तो इसकी जो कहानी भाई निका के कैरेक्टर को फॉलो करती है। एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो अनाथालय जाती है एंड वहां पर जाने के बाद भाई उसको पता चलता है कि उस अनाथालय में चाइल्ड अब्यूज की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रही है एंड वो चाहती रहती है हमेशा कि भाई उसको कोई अडॉप्ट कर ले एंड भाई उसी अनाथालय में उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम रहता है रिजा एंड भाई एक दिन ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से एक ही फैमिली इन दोनों को अडॉप्ट कर लेती है एंड भाई जब ये दोनों उसी फैमिली में जाते हैं तो उसके बाद इनके लाइफ में क्या आता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं एंड पूरी दुनिया के लिए अब भी जब वो एक फैमिली में आ गए तो भाई बहन है तो इस सिचुएशन को वो लोग कैसे हैंडल करते हैं एंड इनका एंड रिजल्ट क्या निकलता है ये सब जानने के लिए आपको इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। अब देखो भाई अगर मुझे इस मूवी पर अपना ओपिनियन बताना होगा तो पर्सनली मैं रोमांटिक ड्रामा मूवी को पसंद करता हूं लेकिन अनफॉर्चुनेट भाई ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है बट प्रॉब्लम ये है कि पिक्चर का जिस हिसाब से डायरेक्शन किया गया जो एग्जीक्यूशन किया गया वो पर्सनली मुझे फील नहीं हुआ। कैरेक्टर्स जो देखने को मिलते हैं उनके साथ मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाया एंड भाई जब कनेक्शन ही नहीं फील हुआ तो जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उनमें जो रोमांस की चीजें चल रही है या फिर जो उनका ट्रॉमा देखने को मिल रहा है या फिर जो उनकी ब्रोकन हार्ट लव स्टोरी चल रही है उसका कुछ इंपैक्ट ज्यादा मेरे ऊपर पर्सनली नहीं निकल पाया। बट यस अगर आप इस पिक्चर को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। अगर आपको रोमांटिक ड्रामास वाली मूवीज देखना पसंद है, ब्रोकन हार्ट टाइप की सिचुएशन वाली जो मूवीज आती है उस टाइप का लव स्टोरी आपको देखना पसंद है, एक ऐसी लड़की कहानी देखना चाहते हो जो कि अंदर से टूटी हुई है, प्यार की तलाश में है, खुल करके जीना चाहती है, इस टाइप के अगर सिचुएशन आपको देखना पसंद तो डेफिनेटली आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बट एक बार इस पिक्चर को ट्राई कर सकते हो। मूवी में जो कैरेक्टर वगैरह देखने को मिलते हैं उनमें भी कुछ ज्यादा दम नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग एंड डल टाइप के फील होते हैं। इवन जो कहानी देखने को मिलती है उसमें जो एक डेप्थनेस होनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई। मैंने भाई एक वीक एडाप्टेशन है उस नॉवल का क्योंकि जो नॉवल है वो बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली जो रोमांटिक फैंस है उनके बीच में। बाकी हाँ एक चीज मैं तारीफ जरूर करूंगा कि पिक्चर की जो प्रोडक्शन क्वालिटी वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है, जो आपको विजुअल्स या जो सेट डिजाइन वगैरह देखने को मिलेंगे, जो सिनेमेटोग्राफी वगैरह देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा हार्ड। ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही कि अगर आपको भाई बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है तो आप इस पिक्चर को एक ट्राई दे सकते हो, लेकिन अगर आपको एक तगड़ी रोमांटिक पिक्चर देखना है जिसको देख करके आपको मजा आ जाए तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई इस पिक्चर में आपके लिए कुछ भी नहीं, आप इस पिक्चर को इजीली स्किप कर सकते हो। अगर इसके कहानी में या फिर कैरेक्टर में दम होता तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता, लेकिन अभी पर्सनली मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो इस पिक्चर को देख करके। मेरी रेटिंग इस पिक्चर को लेकर 5.5 to 6 out of 10 स्टार। अगर आपने देखा है तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।